मंच पर विराजमान हमारे देश के विदेश मंत्री और देश की पहली विदेश मंत्री, महिला विदेश मंत्री बहन सुषमा स्वराज जी, जनरल बी के सिंह, विनय सहस्त्रबुद्धे जी और दुनिया के अनेक देशों से आए हुए सभी महानुभाव, मैं आपका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में तो मैं स्वागत करता ही हूं, लेकिन कल आप जहां जाकर के आए हैं उस उत्तर प्रदेश से मैं लोकसभा का प्रतिनिधि हूं, तो इसलिए भी मैं विशेष रूप से आपका आदर पूर्वक स्वागत करता हूं। हमारे देश में हिंदू परंपरा में एक मान्यता रही है कि जब कोई तीर्थ यात्रा करके आता है, अगर उसको आप नमस्कार करते हैं तो तीर्थ यात्रा में जो पुण्य उसने कमाया है उसका कुछ हिस्सा नमस्कार करने के वाले को भी मिलता है। तो मेरे लिए खुशी है कि आप सब एक अनमोल सांस्कृतिक विरासत की तीर्थ यात्रा करके आए हैं और आज आपके दर्शन का मुझे मौका मिला, तो जो पुण्य आप कमा के लाए हैं उसका थोड़ा हिस्सा मुझे भी मिला है। आप मुझसे ज्यादा भाग्यशाली हैं क्योंकि मैं इस बार के कुंभ में अब तक जा नहीं पाया हूं, आप होकर के आए हैं, लेकिन मैं कल जाने वाला हूं। शायद ही कोई ऐसा कुंभ होगा जब से मैं समझने लगा हूं कि जहां मेरा जाने का सौभाग्य न बना हो, कल भी मैं जाऊंगा। कुंभ का मेला जब तक वहां जाते नहीं है तब तक अंदाज नहीं आता है कि कितनी बड़ी विरासत है ये, और हजारों वर्ष से निश्चित डेट टाइम के अनुसार, टाइम टेबल के अनुसार ये चल रही है। कोई इनविटेशन कार्ड नहीं होता है, न कोई गेस्ट होता है, न कोई होस्ट होता है, फिर भी माँ गंगा के चरणों में और जहां भी कुंभ होता है वहां सारे देश के और दुनिया के तीर्थयात्री वहां पहुंचते हैं। ये असामान्य चीज है कि किसी भी प्रकार की कागज चिट्ठी पत्र के बिना हजारों साल से लोग यहां पहुंचते हैं, और आप जिस कुंभ को देख करके बड़े प्रभावित हुए हैं, आपके मन को वो छू गया है, लेकिन ये भी आपको पता हो कि पूर्ण कुंभ नहीं है, अर्ध कुंभ की अगर ये ताकत है तो जब पूर्ण कुंभ होगा वो कैसा होता होगा जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत में एकता को बहुत बड़ा बल दिया गया है। ये समागम अब एक प्रकार से स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन के लिए तो है ही है, लेकिन ये सोशल रिफॉर्मेशन का मूवमेंट का एक हिस्सा है। एक प्रकार से ये उस जमाने की पंचायत है, उस जमाने की जो भी डेमोक्रेटिक फ्रेम होगा, क्योंकि समाज जीवन में काम करने वाले स्पिरिचुअल लीडर्स हो, सोशल लीडर हो, एकेडमिशियंस हो, वे 3 साल तक अपने 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 क्षेत्र में भ्रमण करते थे, लोगों से मिलते थे, संवाद करते थे, और 3 साल में एक बार छोटा कुंभ होता था।
वहां सब अपने बैठ करके 40-45 दिन तक विचार विमर्श करते थे हिंदुस्तान के किस कोने में क्या चल रहा है, और उसमें से कोई न कोई बात तय करते थे। और 12 साल में एक बार 12 साल के पीरियड का पूरा रिव्यू करके 12 साल के बाद समाज को किस प्रकार के गाइडेंस की जरूरत है, समाज में कौन से बदलाव की जरूरत है। एक प्रकार से परफेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम था कि नीचे से ऊपर इंफॉर्मेशन जाती थी और सोशियो पॉलिटिकल रिलीजियस लीडर्स इंक्लूडिंग किंग्स राजा महाराजा भी उसमें रहते थे। और इस विचार विमर्श में से आगे का 12 साल का रोड मैप तय होता था और हर 3 साल पर उसका रिव्यू होता था। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जो दुनिया के सामने कभी आई नहीं। आपने इस बार भी देखा होगा कि इस कुंभ के मेले में भी कोई न कोई सटीक सोशल मैसेज था। सर्वसामान्य की भलाई के लिए मैसेज था और वहां पर आपने कोई भेदभाव नहीं देखा होगा। हर कोई गंगा का अधिकारी है, गंगा में डुबकी लगाता है, अपनी आस्था के अनुसार अपना क्रियाकलाप करता है। भारत टूरिज्म का एक डेस्टिनेशन इसलिए बनने जा रहा है क्योंकि विश्व एक शांति की तलाश में है। व्यक्ति के जीवन की आपाधापी से भी वो कुछ पल अपने लिए, अपने इटर्नल के लिए बिताना चाहता है। धन, वैभव, समृद्धि, बढ़िया होटल, ये सारी चीजें उसको प्रभावित तो करती हैं, प्रेरित नहीं करती हैं। उसको इंप्रेसिव वर्ल्ड से वो उब चुका है, वो इंस्पायरिंग वर्ल्ड की खोज में है। और आपने कुंभ में अनुभव किया होगा कि भौतिक संपदा की कमी के बावजूद भी एक अंतर मन के आनंद को कैसे खोजा जा सकता है, संजोया जा सकता है और उससे जीवन की राह बनाई जा सकती है, वो आपने भली भांति अपने आंखों से देखा होगा। और मुझे विश्वास है कि जब आप अपने देश जब लौटोगे तो वहां भांति भांति के लोग आपसे पूछेंगे क्या था, क्या एक नदी के अंदर डुबकी लगाने के लिए आप इतना खर्चा कर करके चले गए वहां। कई लोगों का आश्चर्य होता है भाई इसमें क्या है, लेकिन जब आप वहां का दृश्य देखोगे और मेकशिप अरेंजमेंट, भारत की ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी का लेवल क्या है, ये अपने आप में अपने अनुभव किया होगा। मुझे बताया गया कि डेली वहां हजारों की तादाद में मिसिंग पर्सन या मिसिंग चाइल्ड की इंफॉर्मेशन सेंटर पे आती है, क्योंकि इतने करोड़ों लोग होते हैं तो कभी एकाध बच्चा हाथ से छूट जाता है, कोई बुजुर्ग रह जाता है, फिर इतने मेले में पता नहीं चलता है। वहां इतना परफेक्ट मैकेनिज्म है कि घंटे दो घंटे में वो मिसिंग की कंप्लेन आते ही उसको खोज करके उसके परिवार से मिला दिया जाता है। कोई कल्पना कर सकता है, हर दिन गंगा के तट पर एक प्रकार से यूरोप का एक देश इकट्ठा होता है डेली, और सारी व्यवस्थाएं मेकशिप अरेंजमेंट में हो रही है। यानी जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी है, उनके लिए ये केस स्टडी का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग अपना अपने तरीके से आए हैं, अपनी आदतों को लेकर के आए हैं, अपनी भाषा को लेकर के आए हैं, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था जो सबको कैटर कर रही है, सबको संभाल पा रही है और सबकी आशा अपेक्षा को पूरी कर रही है, ये अपने आप में मैनेजमेंट की दुनिया की एक बहुत बड़ी घटना है। और विश्व का इस तरफ ध्यान जाएगा और मैं भारत के विदेश मंत्रालय का, विशेष करके सुषमा जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं
कि जो कुंभ का मेला यानी एक त्रास जिसको लगता था अभी ठीक है लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन इसका एक सामाजिक स्वरूप होता है, उसका एक मैनेजरियल एस्पेक्ट होता है, उसमें आधुनिकता होती है, टेक्नोलॉजी होती है, व्यवस्था होती है और श्रद्धा भी होती है, सांस्कृतिक चेतना भी होती है। ये अद्भुत मिलन का कार्यक्रम दुनिया के लोगों ने जब आज देखा है और भारत ने इस प्रकार का ये पहला प्रयास किया है, आपने आकर के हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए आप भी अभिनंदन के अधिकारी हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत में जिस प्रकार से भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है ये विश्व को आकर्षित करने का अभूतपूर्व सामर्थ्य है उसमें, और हम इस पर प्रतिबद्ध हैं कि इस प्रकार की योजनाओं के द्वारा हम दुनिया को भारत की इस महान विरासत के साथ भी जोड़ना चाहते हैं, और मुझे विश्वास है कि विश्व भारत की, आधुनिक भारत की भी पहचान करेगा और अनमोल विरासत से भी भारत से दुनिया परिचित होने के लिए प्रयास करेगी। आने वाले दिनों में हमारे यहां पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, जैसा कुंभ का मेला उसकी मैनेजमेंट मेकशिप अरेंजमेंट्स वहां का पूरा टेक्नोलॉजी के द्वारा व्यवस्थाएं ये अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है, वैसे ही मोर देन 800 मिलियन लोग वोट करें, निष्पक्षता से वोट करें, उसका पूरा जो मैकेनिज्म है, दुनिया का सबसे बड़ा ये चुनाव होता है, दुनिया का सबसे बड़ा, और मेरा तो प्रयास रहेगा, मैंने इलेक्शन कमीशन से भी कहा है कि विश्व का हर देश भारत का इलेक्शन टूरिज्म के लिए निकले, हिंदुस्तान के टूरिज्म को देखे, और सिर्फ वोटिंग के दिन नहीं, कोई मार्च महीने में आए, कोई मार्च के सेकंड वीक में आए, कोई मार्च के थर्ड वीक में आए, कोई अप्रैल में आए, कोई मई में आए, लगातार दुनिया के हर देश के दो 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 प्रतिनिधि हर हफ्ते यहां हो, हजारों की तादाद में विश्व के लोग आए कि भारत में डेमोक्रेसी कितनी लोगों के रगों में है, भारत में गांव में बैठा हुआ व्यक्ति भी किस प्रकार से देश की चीजों की समझ रखता है, किस प्रकार से देश के संबंध में निर्णय करता है, विश्व के लिए भारत का चुनाव अपने आप में अजूबा है। अगर मेरे कुंभ की इतनी बड़ी ताकत है जो मैनेजरियल कैपेसिटी को प्रदर्शित करता है, तो मेरे देश के चुनाव की रचना, चुनाव का आयोजन और इतना बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, विश्व में डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले लोगों के लिए भी ये प्रेरणा देता है, और डेमोक्रेसी से की ओर अभी जो नहीं पहुंच पाए हैं उनके लिए भी प्रेरणा का कारण बन सकता है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे देश का इलेक्शन कमीशन इनिशिएट करे, हमारे विदेश मंत्रालय उनको पूरी तरह से मदद करे, और दुनिया भर की यूनिवर्सिटी, दुनिया भर के स्टूडेंट्स, दुनिया भर के डेमोक्रेट्स, ये सारे लोग जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, वो आने वाले दिनों में लोकतंत्र का जो कुंभ होने वाला है उसे भी यहां आए, देखे, और भारत के सामान्य मानवीय का लोकतंत्र के प्रति कमिटमेंट जो है, भारत के सामान्य मानवीय का मानवीय मूल्यों के प्रति जो कमिटमेंट है उसको अपनी आंखों से देखे और दुनिया के संदेश दें कि भारत, हम जो सोचते हैं, जो सुनते हैं, किसी की नजर से जो देखा है, हमने अपनी नजर से एक दूसरा हिंदुस्तान देखा है, असली हिंदुस्तान देखा है, सामर्थ्यवान हिंदुस्तान देखा है, और विश्व को कुछ देने का सामर्थ्य रखने वाला हिंदुस्तान देखा है। आपने जब अक्षय वृत्त देखा होगा, भारत के लोगों के लिए अक्षय वृत्त एक श्रद्धा का कारण होगा, लेकिन मान लीजिए उस श्रद्धा से आपका परिचय न भी हो, तो आपको इतना तो पता चलेगा कि देश कितना प्रकृति प्रेमी है, कि हजारों साल से एक वृक्ष के प्रति इतनी आस्था रखने वाला जो समाज पेड़ और पौधे को में भी परमात्मा देखता है,
अगर उस समाज को कोई समझे तो विश्व को कभी क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं झेलनी नहीं पड़ती, अगर इन बातों को हम पहले से समझते। वो सिर्फ एक वृक्ष के दर्शन नहीं थे, वो भारत के लोग शायद उसकी माइथोलॉजी जानते हैं, भारत के लोगों के लिए वो होगा, लेकिन जो माइथोलॉजी को नहीं जानते हैं उनके लिए ये सामर्थ्य है कि हम पौधे में भी परमात्मा देखते हैं और हम प्रकृति के प्रति इतने सहजीवन के अभ्यस्त है, सहजीवन के साथ साथ प्रकृति के प्रति अपार श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, जो मानव जात की बहुत अनिवार्यता है। आज प्रकृति के साथ संघर्ष के कारण मानव जात जो संकटों में फंसी हुई है उससे निकलने का रास्ता भी इसी महान परंपरा ने दिया है। चाहे अक्षय वृक्ष का दर्शन हो, नदी के प्रति श्रद्धा की बात हो, अप टू डेट मैनेजमेंट की बात हो, किसी भी पहलू से देखें, दुनिया के लिए एक केस स्टडी है, यूनिवर्सिटीज के लिए केस स्टडी है और भारत के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए भारत की महान परंपराएं, मानव जात के कल्याण का रास्ता दिखाने वाली परंपराएं हैं, इस दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आपका आना मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं और जितना भी समय आपका यहाँ बिताने का मौका मिलेगा आप जरूर भारत को जानने समझने के लिए उस समय का उपयोग करेंगे और अपने देश में जाकर के दुनिया को बताएंगे कि आपने जो सुना है उससे हिंदुस्तान कुछ और है, हिंदुस्तान कुछ अधिक है। आप जो हिंदुस्तान जानते हो, पुरातन जानते हो, यही हिंदुस्तान है जो आने वाले दिनों में भी मानव जात को दिशा देने का सामर्थ्य रख सकता है। आप सच्चे अर्थ में भारत इस महान परंपरा के एम्बेसडर बनकर के वापस लौटेंगे, यही मेरी आप सबको शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच बेलारूस की अनस्ताजिया बुलनकोवा उपस्थित हैं, जो सभी प्रतिनिधियों की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव देंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, विदेश राज्य मंत्री जी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अधिकारीगण और सभी देशों से कुंभ महापर्व देखने, जानने और इसमें भाग लेने आए हुए सभी देशों के प्रतिनिधियों को नमस्कार। हम सभी के लिए ये भारत यात्रा विशेष रही, क्योंकि हमें इसमें कुंभ मेला में भाग लेने का अवसर मिला, बहुत कुछ देखने, सुनने, जानने, समझने का अवसर भी मिला। पिछले दिन डॉक्टर कपिल कपूर तथा डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे द्वारा की गई कुछ की दार्शनिक व्याख्या स्वयं ही रुचि थी। कुंभ पर दिखाई गई फिल्म से हमें भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प जानकारी मिली। दूसरे दिन प्रयागराज की यात्रा तथा त्रिवेणी संगम और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों का दर्शन हमारे हृदय में अधिस्वरणीय रहेगी हमेशा के लिए। पूरी दुनिया में भारत सिर्फ एक ही देश है जो इतनी ऊंचे स्तर पर इसी महत्वपूर्ण विषयों के सम्मेलन का प्रबंध करते हैं। न सिर्फ कोई आर्थिक व्यवस्था या आर्थिक विकास और राजनीतिक सहभागिता, लेकिन मानसिक और आत्मिक विकास है और इसलिए भारत पूरी दुनिया में एक विशेष स्थान रखता है और हम सभी के हृदयों में भी। इसलिए इसे अनूठे मौके देने के लिए, कुंभ मेला में भाग लेने के लिए सभी देशों के प्रतिनिधियों की ओर से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
हम सभी अपने अपने देशों में वापस जाकर ऐसे अनूठे अनुभव को सभी देशवासियों से साझा करेंगे और हम सब कुछ बताएंगे कि हमें क्या क्या महसूस हुआ। एक और फिर से इस अनुभव देने के लिए और भारत की आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपको। इसी के साथ कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान तक आप सभी अपने स्थान पर